मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आफ्टर लॉन्ग टाइम बैक इट अगेन विद अ न्यू व्लॉग। तो आज मौसम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो रहा है, हवा भी चल रही है और धूप भी है। कभी एकदम से छाव आ जाती है, कभी एकदम से धूप आ जाती है। अच्छा, मेरे लिए यार काफ़ी टाइम हो गया व्लॉग भी नहीं बनाया, तो आज व्लॉग बनाते हैं। बस सुबह में जल्दी उठ गया था, लेकिन आज थोड़ी सी अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया था। मेरे यार थोड़ा सा देर बाद, थोड़ी सी टाइम बाद स्टार्ट करेंगे। तो अभी टाइम मिला तो अभी 4 बज रहे हैं और मैंने व्लॉग अभी स्टार्ट करा है। तो आज जो है व्लॉग नहीं होने वाला, क्योंकि आज एक वीडियो होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। क्योंकि कई लोगों ने मेरे से पूछा कि यार हमारे को ज़रा कैमरा फेस करना है, या कुछ टिप्स जो कैमरा को किस तरह फेस करें। तो उस चीज़ पे एक देने वाला यार एक वीडियो बना देते हैं, कुछ टिप्स आप लोगों को दे दूँगा, आप लोगों के लिए भी अच्छा है, आप लोग भी कुछ सीख जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरे अपना सेटअप या अपना फ्रेम कहेंगे वो सेट करा, मास्टर केस के आगे कुर्सी रखी है, कुर्सी के आगे ट्रैपॉड रखा अपना छोटा वाला। तो अभी हम बैठेंगे और आप लोगों को कुछ टिप्स बताएंगे, तो आप लोग गौर से सुनिएगा, बहुत काम की टिप्स बताऊंगा। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ 8 के करीब टिप्स देने वाला हूँ, ताकि आप लोग जो मेरे से सवाल कर रहे थे कि यार हम कैमरे को किस तरह फोकस करें, तो इसी चीज़ के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। कैमरे के सामने आके आपको शर्म आती, बेसिकली मैं भी ही एक शर्मिला ही था, खैर अभी तक तो शर्मिला थोड़ा बहुत हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में बहुत कम बातें मैं करता हूँ। जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना, पता मेरे को क्या बोलते हैं, मुझे तुम्हारा मुँह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आ तू भाई, तू इतना बोलता है, यकीन नहीं आता। तो खैर, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस इतना किस तरह बिल्ड हुआ, या फिर मैंने किस तरह अपने व्लॉग में मतलब कोई जादू वगैरह तो करा नहीं था कि मैं इतना बोल पाता हूँ। मैंने कुछ टिप्स जो हैं उनको फॉलो करा, और बाकी ये कि उनको फॉलो करने से मेरे को काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ, मेरी वीडियोस कुछ बेहतर होती हैं। ओके, सबसे पहले टिप ये है कि आपको वीडियो नहीं बनाना आती, आप बहुत शाय किस्म के आदमी हैं। मतलब घर में कोई आ जाए तो भी साइड में बैठना मेरी तरह, मतलब किसी से कोई इतनी बातचीत ना करना, मतलब अपने काम से काम रखना। तो ये है कि सबसे पहले टिप यही दूंगा कि आपके घर में एक मिरर तो होगा, मतलब शीशा, शीशा होगा, पीने वाला शीशा नहीं, शीशा देखने वाला शीशा। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। शीशा होगा, अलमीरा के आगे लगा होता है घर में, बेसिकली आजकल सब जगह लगा हुआ ही होता है। तो शीशे के आगे आप खड़े हो गए, खड़े होकर आपने मुंह साफ नहीं करना, खड़े होकर आपने अपने आप से बात करनी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाए। आप अब जब अपने आप से बात करेंगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। वैसे भी आप किसी से बात नहीं करते इतना, अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन जब आप अपने आप से बात करेंगे कि यार मैंने ये बोलना है ये बोलना, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है जितना हो सकता है उतना बिल्ड होगा। जितना हो सके आप लोगों से शीशे के आगे खड़े हों और अपने आप से बात करा करें, बाकी इतना भी नहीं करनी कि लोग बोलें कि यार पागल साला अपने आप से बातें कर रहा है। ये हो गई हमारी सबसे पहली टिप्स। अब आते हैं टिप नंबर 2 पे, वो है कि कैमरा जो है वो कैमरा नहीं है। कैमरा ही है, लेकिन आपने उसको कैमरा नहीं समझना। बेसिकली अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, मेरा ट्राइपॉड में मोबाइल लगा हुआ है, और मैं अभी अपने कैमरे से या अपने मोबाइल से बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप लोग मुझे देख रहे हैं, और मैं अभी इमेजिन जो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि मैं आपको देख रहा हूँ, तो मैं आपसे बात करूँ, कैमरे से बात नहीं कर रहा। कैमरे को आपने कैमरा नहीं समझना, उसको आपने इंसान समझना है, या खुद समझ लो या किसी फ्रेंड को समझ लो, एज यू विश, किसी को भी समझ लो, लेकिन कैमरे को आपने कैमरा नहीं समझना, क्योंकि आपने उसको इंसान समझना है। तो आपकी वीडियोस उतनी ही बेहतर होंगी जितनी हो सकती हैं। आ जाते हैं टिप नंबर 3 पे। टिप नंबर 3 ये है कि जितना हो सके आप प्रैक्टिस करा कर। प्रैक्टिस से ये है कि अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक जूता है वो गंदा है, आपने पॉलिश ली उसको मारा, सही है, अब वो काला तो हो जाएगा, लेकिन फिर आप जितना उसको रगड़ते जाएंगे उतना ही वो चमकता जाएगा। मतलब जितना आप अपने आप को रगड़ेंगे, जितना अपने आप को रगड़ेंगे उतना ही चमकेंगे आप। जितनी प्रैक्टिस आपसे हो सकती है उतनी प्रैक्टिस आप करें। कैमरा खोला, लो व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कुछ भी बोलते जाओ। मतलब आपने अभी वीडियो तो डालनी नहीं है, डालनी भी तो देखेंगे लोग, कुछ नहीं करेंगे, आपके घर पर आके आपको मारेंगे नहीं कि यार भाई क्या वीडियो बना रहा है। कोई टेंशन नहीं है, वीडियो बनाओ, जितनी प्रैक्टिस आपसे होगी उतनी करो, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आप एक वीडियोग्राफर या एक वीडियो ब्लॉगर कुछ भी बन सकते हो। तो ये हो गई हमारी टिप नंबर 3। अब आते हैं
टिप नंबर फोर पे। टिप नंबर फोर ये है कि स्क्रिप्ट आपने लिखनी है। स्क्रिप्ट से मुराद आपने प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं लिखनी कि यार मैं ये बोलूँगा, नहीं, आपने एक रफ स्क्रिप्ट लिखनी है। रफ स्क्रिप्ट जब आप लिख लोगे ना तो उसमें ये कि आप आइडिया हो जाएगा कि यार मैंने क्या क्या बोलना है। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना तो मेरे को पता है मैंने इसमें क्या क्या बोलना है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स सोचे थे, 8 पॉइंट मैंने निकाले कि यार ये पॉइंट है, इनमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैंने एक स्क्रिप्ट छोटी सी लिखी के पॉइंट निकाल के, तो उसी बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अभी मेरे हाथ में वो पॉइंट्स हैं, कुछ 7 से 8 पॉइंट्स हैं जिनको मैं देखता हूँ और मैं आपको वो शेयर करता हूँ, क्योंकि एकदम बंदे के माइंड में आता नहीं है कि यार उसने क्या बोलना है। तो स्क्रिप्ट जो है आप वो ज़रूर लिखें, एक रफ स्क्रिप्ट। थोड़े टाइम बाद आप इतने इस लाइक या इतने थोड़े से प्रोफेशनल तो हो जाएंगे अगर आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो ये हो गई टिप नंबर फोर। अब आते हैं टिप नंबर फाइव पे। टिप नंबर फाइव ये है कॉन्फिडेंस। भाई कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए, मतलब पब्लिक में या कहीं भी जाके ब्लॉग या कुछ भी कैसे बनाई जाए, तो ये इशू मेरे साथ भी बहुत था। तो मैंने पता इसको कैसे ख़त्म करा, मैंने एक टिप फॉलो करी, वो ये थी कि अगर मैं पब्लिक में जाऊँ या कहीं भी आके ब्लॉग बनाऊँ तो लोग मेरे को देखते हैं यार क्या यार कैमरे से बात कर रहा, पागल है क्या है क्या। इग्नोर, कोई टेंशन नहीं है, वो आपको पकड़ के मारेगा नहीं, आपका मोबाइल छीन गया, ये नहीं बोलेगा भाई जेब में डालो जा सीधा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी वीडियो बनाएं। बस एक टिप ये दूंगा आप लोग, वीडियो जब बनाए अगर कोई आप कोई कुछ बोल रहा है आप सीधा कैमरा पकड़ें और ऐसे घूम जाए, उसको भी कैमरे में ले लें, 100% खामोश होकर खड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो ये थी एक टिप कि आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। आप वीडियो बनाते रहे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। और पब्लिक में आप वीडियो बना रहे हैं तो उसको भी कैमरे में ले ले, कोई टेंशन नहीं है, कोई ये नहीं बोलेगा, बस ध्यान से लेना कोई लड़की ना हो, फिर वो सारे भाई बन जाते हैं। आते हैं अपनी लास्ट और आखिरी टिप पे, वो ये है कि आपने लेंस जो है उससे बात करनी है। मतलब क्या कहेंगे इसको, आपने अब मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे आगे मोबाइल है तो ट्राइपॉड है, अब मैं ट्राइपॉड को देख रहा हूँ तो ये तो मेरी एक एट्रैक्शन नहीं हुई, मतलब मैं आपसे नहीं बात कर रहा, अब मैं देख रहा हूँ मोबाइल की कवर, तो भी आप मेरी आपसे, अब मैं देख रहा हूँ लेंस की तरफ, मतलब लेंस की तरफ देख रहा हूँ, तो अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आपसे बात नहीं कर रहा या ट्राइपॉड से बात नहीं कर रहा, मैं मोबाइल से बात नहीं कर रहा, मैं लेंस में देख के आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे आगे मेरी ऑडियंस बैठी हुई है और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ लेंस में देखना है, लेंस में जितना आप हो सकता है उतना देखें, उतना आपके लिए अच्छा है। अब आगे 2 लेंस है मेरे मोबाइल के, मैं उसी को देख रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को उसको इमेजिन करके बैठाऊँ कि यार मेरे आगे मेरी ऑडियंस बैठी हुई और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो ये थी सबसे आखिरी और लास्ट टिप। बाकी ये कि आप लोग इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और बहुत अच्छे ब्लॉगर या कुछ भी या यूट्यूबर या एनीथिंग कुछ भी आप बन सकते हैं, और अच्छा जिन टिप्स को फॉलो करके मैंने वीडियोज़ बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोज़ कुछ बेहतर ही होती हैं। बाकी ये था कि आज की वीडियो जो है वो व्लॉग नहीं था, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अपने नए व्लॉग के साथ, तो कल या परसों इंशाल्लाह अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियोस को लाइक करा करें, कमेंट्स करा करें, शेयर करा करें, और हाँ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाया करें, उसके बराबर में घंटी का आइकन उसको जो है ना मुक्का मार के दबा के जाया करें, ताकि नए आने वाले व्लॉग्स आपको हमेशा टाइम पर मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और नहीं भी आई तो यार एक टिप्स थी कुछ लोगों के क्वेश्चन से, इसको कुछ लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।